बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। इस वक्त जून की शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी में एजुकेशन मिनिस्टर्स ने बहुत ही गलत किस्म का फ़ैसला किया है। बच्चों के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, कॉलेजेस में बुलाया जा रहा है शदीद गर्मी में। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त टम्परेचर जो है 44 से 45 डिग्री है, और इस टम्परेचर में बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में बुलाया जा रहा है कि इस गर्मी को बच्चे क्या बड़े नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ऊपर से लोड शेडिंग का भी मसला है, ठीक है। तो बच्चे स्कूलों में बेहोश हो रहे हैं, कहीं पर बच्चों के बेहोश होने की खबर आ रही है और कहीं पर ये खबर आती है कि स्कूलों में बच्चों छोटे बच्चों के नाक से खून बह रहा है, तो ये भी खबरें आ रही हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने कोई गुड फैसला नहीं लिया, कोई अच्छा फैसला नहीं लिया बच्चों के लिए, उल्टा बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं ये लोग। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर पर कोई अच्छा फैसला लिया जाए और बच्चों को फ़ौरी तौर पर छुट्टियाँ करा दी जाएँ। इस हवाले से मोनो सेलाई का भी ट्वीट आ चुका है कि जून की शदीद गर्मी में बच्चों को स्कूल तो बुला लिया मगर मुल्क के बेशतर स्कूल पंखों, ठंडे पानी व दीगर बुनियादी सहूलतों से भी महरूम। ज़िम्मेदारान अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकले और गर्मी से हल्कान मासूमों का सोचें, ठीक है। तो ये मोनो सेलाई की तरफ से भी ट्वीट कर दी गई है, और मज़ीद जो है एजुकेशन मिनिस्टर्स को सोचना चाहिए इस बारे में और कोई फ़ाइनल डिसीजन लेना चाहिए। इस गर्मी में बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गर्मी को बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, बड़े भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।